एवरीवन, आज हम लोग अपने नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स के साथ स्टार्ट करेंगे. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स. द टर्म इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ. फ्लैटवर्म्स मींस ये ऑर्गेनिजम्स डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, दैट्स व्हाई हम इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं. अब हम इनके जनरल फीचर से क्विकली स्टार्ट करते हैं. पहला जनरल फीचर है हैबिट एंड हैबिटेट. तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं. मींस ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, एक होस्ट पे सर्वाइव करते हैं और उसी पे फीड करते हैं. ये मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं. अगर फ्रेश वाटर होंगे तो उसका एग्जांपल है ड्यूगेशिया, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन. कॉमनली इसे हम प्लेनेरिया भी कहते हैं. सो ये था हैबिटेट हैबिटेट. अगला है बॉडी सिमेट्री. कैसी बॉडी सिमेट्री होती है? ये ऑर्गेनिजम्स बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में ये डिवाइड हो जाते हैं. अगला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी फाइलम से इनिशिएट हुआ है. तो ये पहला फाइलम है जो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. यहाँ पे वेरियस टिश्यूज विल कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन और वो ऑर्गन्स अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करेंगे टू परफॉर्म दी फंक्शन. अगला है जर्म लेयर्स. सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. अगला है सीलोम. ये ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट होते हैं क्योंकि इनके पास मीजोडर्मली लाइन, हमने पढ़ा था ना कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी मीजोडर्मली लाइन होती है उस कैविटी को हम लोग सीलोम कहते हैं. तो वो मीजोडर्मल लाइनिंग वाला सीलोम यहां पर एब्सेंट होता है. अगला आता है बॉडी फॉर्म. कैसे है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है. जो हमने यहाँ फ्लैटवर्म्स के लिए पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है. ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में. तो जो पैरेन्काइमा है इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्पेस होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ऑर्गन्स, उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. किसके? फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इसके बाद हम अब एट फीचर यहाँ पर क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनका वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, यानी कि उनके पास एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि काम करती है माउथ और एनस दोनों की तरह. जो प्लेटीहेलमिंथ्स होते हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. अब हम स्टार्ट करेंगे अगले फीचर से जो कि है रिप्रोडक्शन. तो ये कैसी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? मोस्टली सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? प्लेनेरिया, यानी कि जो ड्यूगेशिया होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं. उसका एग्जांपल है शिस्टोसोमा. अगला है फर्टिलाइजेशन. तो कैसी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि विद इन द इंडिविजुअल विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है. अगला है डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है. देन रीजनरेशन. बेस्ट रीजनरेशन प्लेनेरिया शो करता है, मतलब कि रीजनरेशन में हो सकता है कोई टिश्यू डैमेज हो गया हो या कोई पार्ट डैमेज हो गया हो तो वो भी रिपेयर अप हो जाता है. प्लस कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, अगर आप उनको टू टू थ्री पार्ट्स में या सेवरल पार्ट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो तो हर एक पार्ट जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं. और ये बेस्ट किसमें विजिबल होती है? प्लेनेरिया और ड्यूगेशिया में विजिबल होती है. लेकिन ये और भी दो ऑर्गेनिजम्स में शो हो सकता है, टीनिया और फेसियोला. अब इसके बाद हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फेसियोला हेपैटिका से. अब हम स्टार्ट करेंगे फेसियोला हेपैटिका से, जिसे कॉमनली हम लोग लेबर फ्लू भी कहते हैं. ये कैसा पैरासाइट है? डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, यानी विद इन द बॉडी रहता है.
किसके अंदर रहता है, इसके दो होस्ट हैं, डाइजेनेटिक, डाई मीन्स टू, डाइजेनेटिक मीन्स इसके दो होस्ट हैं, जो प्राइमरी होस्ट है वो शीप और गोट है, जो उनका लिवर है उसकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर इसका सबसे पहला सर्वाइवल होता है, जो भी इसकी एडल्ट स्टेज है वो बाइल डक्ट ऑफ लिवर के अंदर सर्वाइव करती है, जितनी भी इसकी लार्वल स्टेजेस हैं वो सेकेंडरी होस्ट यानी कि स्नेल के अंदर मिलते हैं। स्नेल के दो जीनस हैं प्लेनोर्बिस और लिम्निया, इनके अंदर ही इसकी लार्वल स्टेजेस मिलेंगी। सो इट इज अ डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट बिकॉज इट इज हैविंग टू होस्ट, वन इज शीप और गोट बाइल डक्ट ऑफ लिवर, सेकेंड इज अ सेकेंडरी होस्ट दैट इज अ स्नेल आइदर प्लेनोर्बिस और लिम्निया, सारी लार्वल स्टेजेस इसमें मिलेंगी। अब एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो लिवर फ्लूक होता है उसकी एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, जो आपको ये कोन लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, दिस इज हेड लोब। हेड लोब जो है वो कंटेन करता है ओरल सकल, तो जो हेड लोब है उसके अंदर प्रेजेंट होगा ओरल सकल, और जो ओरल सकल है वो फर्दर कंटेन करता है माउथ, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड के इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी फूड का इंजेशन, डेब्रेस और सब चीजों का जो एक्यूमुलेशन या जो भी चीजें इकट्ठी करेगा खाने पीने की या जैसी भी, वो किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। इनके पास एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करेगी। फिर इनके पास दूसरा सकर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो होता है वेंट्रल सकर, जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक कॉमन जेनाइटल पोर। इसके पास इन टोटल थ्री मेन एपर्चर्स होते हैं। पहला एपर्चर है ओरल एपर्चर, जिसकी ओपनिंग है जो कंटेन कर रहा है माउथ, दूसरा है कॉमन जेनाइटल पोर, और तीसरा है एक्सक्रीटरी पोर, एंड द वेंट्रल सकर इज नोन एज एसिटाबुलम। ये जो फ्लूक है ये कॉज करता है डिजीज जिसे हम कहते हैं लिवर रॉट। तो जो एंटीरियर सकर है, दिस इज द एंटीरियर सकर, ओरल सकर, ये एडहेशन में हेल्प करता है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले कि सकर के दो फंक्शन है, एडहेशन एज वेल एज इंजेशन ऑफ फूड। तो ये इंजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा है और एडहेशन में भी हेल्प कर रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फेसियोला हिपैटिका। डायजेनेटिक है, दो होस्ट के बारे में पढ़ा, कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये याद रखना है कौन से जीनस है, प्लस लार्वल स्टेजेस स्नेल के अंदर सर्वाइव करती हैं। देन हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अब हम एक बार फटाफट से इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें। जो फेसियोला हिपैटिका है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेगा, यानी कि एक फ्लूक जो है वो अपना साइरस दूसरे फ्लूक की लॉरस कैनाल में इंजेक्ट करेगा, एवर्ट करेगा, एंड वहाँ पे जाके उसकी ओविडक्ट में स्पर्म्स को ले आउट कर देगा। 11 ईयर्स के अंदर, टोटल 11 ईयर्स में ये टोटल 2 लाख एग्स को ले करते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो शेल और योक इन सब से कैप्सुलेटेड होते हैं, और ये कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो जो है इसकी डेवलपमेंट यूट्रस में नहीं होती, बल्कि प्राइमरी होस्ट यहाँ पर कौन सा है, शीप, उसके फीसेस के थ्रू ये एम्ब्रियो बाहर आएगा। जब इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, तब वो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा अपनी लार्वल स्टेज में। पहला लार्वा है मेरासीडियम लार्वा, जो आप लोग यहाँ देख सकते हो एनसिस्टेड लिखा है। लेटर ऑन ये मेरासीडियम लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा की तरह बिहेव करेगा, कहीं भी फीड नहीं करेगा, एंड जैसे ही इसको अपना सेकेंडरी होस्ट यानी कि स्नेल मिलेगा, उसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, उसके टिश्यूज में जाएगा, और वहां जाकर स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होगा। अब ये स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है ये फर्दर क्या करेगा, फीड करेगा उसके टिश्यूज पर, वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, और हर एक स्पोरोसिस्ट लार्वा को देखो वो कन्वर्ट हो रहा है रेडिया लार्वा में, ठीक है। तो अब स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है वो 5 to 8 रेडिया लार्वा बनाएंगे, और ये रेडिया लार्वा क्लियरली ध्यान देना आप लोग, एमर्ज करेंगे, बाहर निकलेंगे स्पोरोसिस्ट से। फिर सर्केरिया लार्वा जो है वो विद इन द बॉडी ऑफ रेडिया लार्वा बनेगा, क्लियर। अब रेडिया लार्वा के अंदर ही सर्केरिया लार्वा बनेगा, फिर बाद में ये सर्केरिया लार्वा जो है ये भी एस्केप आउट कर जाएगा होस्ट बॉडी से सराउंडिंग वाटर में। अब ये क्या करा, पहले निकला रेडिया से और अल्टीमेटली होस्ट की बॉडी से भी निकल गया। तो पहले सर्केरिया लार्वा रेडिया लार्वा से निकलेगा और लेटर ऑन होस्ट की बॉडी से सराउंडिंग वाटर में चला जाएगा, और सर्केरिया लार्वा जो है वो स्विम करता रहता है और फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव होता है टू फॉर्म द मेटासर्केरिया लार्वा, और लेटर ऑन उसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है, ध्यान से देखो, इसको हमने लेबल किया है इंसिस्टेड मेटासर्केरिया लार्वा, यानी कि इसके ऊपर भी सिस्ट की डिपोजिशन हो जाती है, और जैसे ही इसे प्राइमरी होस्ट
आएगा, ग्रासेस में या किसी चीज़ पे फीड करेगा, वापस से ये मेटासर्केरिया लार्वा उसके लिवर में जाएगा और वहाँ जाकर के स्टेब्लिश हो जाएगा और वहाँ जाकर के मैच्योर एडल्ट फॉर्म फेसियोला में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। अब हम इस स्टेज को, जो फेसियोला है वो कौन सा फिनोमिना शो करता है, पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान दिया हो आपने, जो रेडिया लार्वा है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा से निकल रहा है और जो सर्केरिया लार्वा है वो रेडिया लार्वा से निकल रहा है। मतलब यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट, यानी कि जो स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा है उनकी बॉडी के विद इन ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोरोसिस्ट और रेडिया के अंदर चल रहा है। क्योंकि रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो रहा है इस वजह से हम इस पूरे प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो हम यहां ये कंसीडर करते हैं कि फेसियोला इज सपोज टू शो द फिनोमिना ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। यहां हमने फेसियोला की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली। अब हम अगले एंडोपैरासाइट से स्टार्ट करेंगे जो कि है टीनिया सोलियम, जिसे हम कॉमनली पॉड टेकवर्म भी कहते हैं। पॉर्क इसलिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पिग्स एंड टेपवर्म इसलिए बिकॉज ये टेप की तरह बिल्कुल फ्लैटेंड और पतला होता है। क्लियर। अब इसका एंडोपैरासाइट तो ये है पर ये डायजेनेटिक भी है। डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट मींस इसके दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, यहाँ पर एडल्ट स्टेजेस मिलती हैं, और जो लार्वल स्टेजेस हैं इसकी वो सेकेंडरी होस्ट में मिलेंगी, मसल्स ऑफ पिग्स के अंदर, जो पिग्स के मसल्स होते हैं उसके अंदर ये मिलते हैं। अब हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो इसकी बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कॉलेक्स है, दूसरा इसका नेक है, तीसरा है स्ट्रोबुला। तो जो स्कॉलेक्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम एपेक्स की तरफ, एकदम स्टार्टिंग एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है। जो इसका एपेक्स है, स्कॉलेक्स का जो एपेक्स है वहां पे कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रोस्टिलम। रोस्टिलम जो है ये कंटेन करता है दो रोज में, इसके पास हुक्स अरेंज्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हुक्स इन टू वर्ल्ड्स। एक रो में लार्जर हुक्स होते हैं और एक रो में स्मॉलर हुक्स होते हैं। देन इसके पास सकर्स होते हैं, ये ट्रू सकर्स होते हैं और चार होते हैं नंबर में, क्योंकि ये 2D है तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, 1, 2, एक इस तरफ होता है सकर और एक इसके पीछे होगा। तो इन टोटल 4 सकर्स, ट्रू सकर्स हमें मिलते हैं। इसके बाद आता है नेक। नेक कैसा है इसका, नेक इसकी होती है स्मॉल होती है एज वेल एज अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है, और अनडिफ्रेंशिएटेड के साथ साथ कंटेन करती है ये एक एरिया ऑफ सेगमेंटेशन, हिंडर एंड होता है। एरिया ऑफ सेगमेंटेशन मींस जो हिंडर एंड है वहां पर क्या होगा, बेसिकली नए सेगमेंट्स, ठीक है, एड होती है टू द स्ट्रोबुला। स्ट्रोबुला क्या है, मेन बॉडी है। क्लियर। तो अब क्योंकि कुछ सेगमेंट्स पीछे से रिमूव होंगी तो कुछ नए सेगमेंट्स का एड ऑन होना भी जरूरी है, तो नेक जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है स्ट्रोबुलाइजेशन प्रोसेस में। तो जो स्ट्रोबुलाइजेशन प्रोसेस है उसमें नेक रीजन इसकी हेल्प करेगा, यानी कि न्यू सेगमेंट्स को एड ऑन करता जाएगा। क्लियरली, तो स्मॉल है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, एरिया ऑफ सेगमेंटेशन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एडिंग द न्यू सेगमेंट्स टू द स्ट्रोबुला और द मेन बॉडी, एंड प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रोबुलाइजेशन। अब हम देखेंगे स्ट्रोबुला के बारे में। अब हम देखते हैं स्ट्रोबुला के बारे में। तो स्ट्रोबुला क्या है, ये मेन बॉडी होती है, ठीक। इसके पास क्या है, 800 से 1000 तक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, और ये प्रोग्लॉटिड्स भी कई टाइप की होती है। क्लियर। सबसे पहली टाइप की जो है वो होती है इमेच्योर। इमेच्योर वाली कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये एंटीरियर मोस्ट होती है, जो सबसे आगे प्रेजेंट होती है क्योंकि इनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता। दूसरा है मैच्योर वाली। मैच्योर कहां से स्टार्ट होती है, 250th से लेकर के 650th तक दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन्स मींस मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा, तो ये वाली मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होती है। लेकिन जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कहां से बनना स्टार्ट हो जाता है, 200th प्रोग्लॉटिड से बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद 650th के बाद जितनी भी रिमेनिंग प्रोग्लॉटिड्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, ग्रेविड होती हैं। मींस वो कोई भी सेक्स ऑर्गन कंटेन नहीं कर रही होती, बट दे कंटेन यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड मींस फिल्ड होता है इसके साथ विद एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिसके साथ की ये पूरा भरा हुआ होता है अच्छे से। अब जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये शो करते हैं एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं
एपोलाइसिस। एपोलाइसिस मींस कि पीछे से ये शेड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, 650th की भी बाद में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी सेक्स ऑर्गन, रादर दे कंटेन द यूट्रस विच इज डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड मींस फिल्ड विद एग्स, और उनका क्या हो जाता है, वो शेड ऑफ कर जाते हैं पीछे से, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस। तो हमने यहाँ पे स्ट्रोबिला के बारे में देखा कितनी सेगमेंट्स हैं, इमेच्योर मेच्योर प्रोक्रोटिक्स कौन से होते हैं, ग्रैबिट कौन सी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन से प्रोग्लॉटिड से बनना स्टार्ट हो रहा है और कौन से प्रोग्लॉटिड के नंबर से दोनों सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी, और उन्हें हम मेच्योर कह रहे हैं। ग्रैबिट क्या है, एपोलाइसिस क्या है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोल। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। इसमें क्या हो रहा है, दो होस्ट आपको दिख रहे हैं, एक ह्यूमन है दूसरा पिग है। जो ह्यूमन की फीसिस है, जो स्टूल है, उसमें से क्या पास आउट हो रहा है, ऑनकोस्फियर। पर ये ऑनकोस्फियर क्या होता है, सी जो एम्ब्रियोनेटेड आपके पास एग है उसके अंदर क्या है, क्लीवेज होगी, डिविजन्स होंगी, मोरिला बनेगा, और फर्दर उस मोरिला से एक सिक्स हुक्ड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी जिसे हम हेक्साकेंथ कहते हैं। हेक्साकेंथ जो है वो फर्दर सराउंडेड होता है दो मेम्ब्रेन्स से जिसको हम ऑनकोस्फियर कहते हैं। तो फाइनली ये ऑनकोस्फियर है जो कि एपोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन की फीसिस से बाहर आ रहा है। इजी टू लर्न, ह्यूमन की फीसिस है, ह्यूमन की फीसिस से क्या बाहर आ रहा है, एक एम्ब्रियोनेटेड एग आ रहा है जिसमें क्लीवेज हो रही है, जो क्लीवेज कंटेन करके मोरिला से सिक्स हुक्ड एम्ब्रियो बन रहा है। हेक्सोकेंथ के पास दो मेम्ब्रेन्स है उसको ऑनकोस्फियर कह रहे हैं, और फाइनली ये ऑनकोस्फियर होता है जो कि इंजेस्ट होता है बाय द पिग। ठीक है, अब ऑनकोस्फियर जो है फर्दर अपनी मेम्ब्रेन्स को लूज करेगा, किसकी वजह से, क्योंकि उसको पिग ने खाया है, तो पिग के भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होंगे, वो एक्ट करेंगे, और जब वो एक्ट करेंगे तो फाइनली उसकी जो बाहर की दो मेम्ब्रेन्स हैं वो हट जाएंगी। अब जब दो मेम्ब्रेन्स हट गई तो क्या बचा, हेक्साकेंथ बचा वापस। अब ये हेक्साकेंथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिग के मसल्स में जा रही हैं, लिखा हुआ है ऑनकोस्फियर हैच पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्क्यूलेट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वॉल के थ्रू और बाइल सॉल्ट से एक्टिवेट होने के बाद ये हेक्साकेंथ कहाँ जा रहा है, स्ट्राइएटेड मसल्स में जा रहा है पिग की। क्लियर, और वहाँ पर क्या बनेगा, सिस्टी सर्कस लार्वा बनेगा। अब ये जो सिस्टी सर्कस लार्वा होता है ये लेटर ऑन डेवलप कर जाता है एडल्ट टेपवर्म में, और ऐसे पिग जिसके अंदर ये सिस्टी सर्कस लार्वा प्रेजेंट है और जो पिग प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते, अनकुक्ड होते हैं या अंडर कुक्ड होते हैं, ऐसे मीट को हम कहते हैं मीजली पॉर्क। और जो भी ह्यूमन ऐसे इन्फेक्टेड मीजली पॉर्क को खाता है उसको टीनियासिस नाम का इन्फेक्शन होता है। अब सिस्टी सर्कोसिस क्या है, ये सबसे डेंजरस और हार्मफुल इन्फेक्शन है as compared to that of the teniasis। teniasis में तो कंप्लीट एडल्ट फॉर्म बन रही है, लेकिन सिस्टी सर्कोसिस में क्या हो रहा है कि पूरा एडल्ट फॉर्म बनता ही नहीं है। जो ह्यूमन्स होते हैं वो क्या इंजेस्ट कर रहे होते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा खा रहे होते हैं, जो कि डेवलप कर सकता है किसी भी अदर ऑर्गन में, जा सकता है किसी भी टिश्यू में, जैसे कि नॉट ओनली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज बट ये डेवलप कर सकता है ब्रेन में और आइज में। तो इस वजह से कहते हैं अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो गया तो सब कुछ डैमेज हो गया। तो आपको लाइफ साइकिल बहुत इजी हो गई समझनी कि सबसे पहले जो है वहां पर एक ह्यूमन है, उसकी फीसिस है, फीसिस के थ्रू क्या आ रहा है, एग्स और ग्रैविट प्रोग्लॉटिड्स आ रहे हैं। एग्स अगर आ रहे हैं तो उनके अंदर क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होगी, हेक्साकेंथ बनेगा सिक्स हुक्ड, और वो सराउंडेड होगा किससे, मेम्ब्रेन से, उसको ऑनकोस्फियर कहेंगे। ऑनकोस्फियर को पिक खा रहे हैं, पिक के गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, दो मेम्ब्रेन्स को हटा रहे हैं, और ऑनकोस्फियर वापस हेक्साकेंथ में कन्वर्ट हो रहा है, और वहां से वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए मसल्स में जा रहे हैं, और मसल्स में जाने के बाद क्या कर रहे, सिस्टी सर्कस लार्वा में डेवलप हो रहे हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा वापस कंप्लीट एडल्ट टीनिया बना रहे हैं और टीनियासिस कॉज कर रहे हैं। और अगर सिस्टी सर्कस लार्वा वाला ही पिग इंजेस्ट हो जाता है अंडरकुक्ड फॉर्म में बाय द ह्यूमंस, तो वो कॉज कर रहे हैं सिस्टी सर्कोसिस, जो कि ज्यादा डेंजरस है। क्लियर, और ये किसकी लाइफ साइकिल है, टीनिया सोलियम की, पॉर्क टेपवर्म की। ऐसे ही एक बीफ टेपवर्म होता है टीनिया सेजिनाटा, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में सेस्टोडा के एग्जांपल्स में बताया है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपवर्म एज कंपेयर टू द टीनिया सोलियम, एंड इट इज मच लॉन्गर देन इट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम।
सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन, एक छोटा सा और पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, जिसे हम कहते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा। इसका कॉमन नेम है डॉग टेपवर्म या हाइटेड टेपवर्म। तो नाम ही बता रहा है किसमें मिलेगा, मोस्टली या तो डॉग्स, कैट्स या किसी अदर कार्निवोर में मिलता है। ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म है जो कि 3 to 6 mm का है इन साइज। इसके पास वेल डेवलप्ड स्कॉलेट्स प्रेजेंट होता है, जिसका स्कॉलेट्स रीजन है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। इसके पास क्या है, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। रोस्टेलम क्या कंटेन कर रहा है, 2 रोज कंटेन कर रहा है ऑफ हुक्स, और इसके पास 4 सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा डॉग टेपवर्म में, डॉग्स, कैट्स, अदर कार्निवोर्स में मिलेगा। स्मॉलेस्ट है, साइज याद रखना, वेल डेवलप्ड स्कॉलेक्स है, रोस्टेलम है और 4 सकर्स हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन पार्ट। नाउ वी विल बिगिन विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। प्लेटीहेलमिंट्स 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा। जो टर्बिलेरिया है इसमें माउथ कैसा होता है, वेंट्रल, फेरिंग्स कैसी है, प्रोट्रूसिबल, और रीजेनरेशन बहुत ही कॉमन होती है। माउथ वेंट्रल है, फेरिंग्स प्रोट्रूसिबल है, एग्जांपल इज ड्यूगेशिया, दैट इज प्लेनेरिया। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था रीजेनरेशन सबसे अच्छा कौन शो करेगा, ड्यूगेशिया। तो अगर एक फीचर याद है आप इसका एग्जांपल अपने आप याद कर सकते हो। अगला है ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा कैसे है, एक्टो या ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, इनके पास सीलिया नहीं होता है, प्लस इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड है। सी जहां पे मैंने लिखा है बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल, वहां पर आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। क्लियर? अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने फेस्टिवला और शिस्टोसोमा दिया है, तो इसके कुछ फीचर्स आप लोग रिकॉल कर सकते हो, राइट? जैसे अगर मैं फेस्टिवला का बोलूं तो यहाँ पे ये 1 or 2 सकर्स वाला यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। ओरल और वेंट्रल सकर प्रेजेंट होता है, तो 1 or more सकर्स। माउथ कैसा था इसका, एंटीरियर। ओरल सकर क्या कंटेन कर रहा था, माउथ, तो यहाँ पे माउथ होता है एंटीरियर। सिंगल ओवरी या 2 to many टेस्टिस होंगे। इससे आप एक और पॉइंट याद कर सकते हो कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने शिस्टोसोमा लिखा है तो एक्सेप्शन याद करो रिप्रोडक्शन की, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जिसका एग्जांपल है क्या, शिस्टोसोमा। इन्हें हम ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं ऑफ मैमल्स एंड अदर क्रिएचर्स। उसके बाद आते हैं ओपिस्थोर्किस। ओपिस्थोर्किस जो है ये चाइनीज लिवर फ्लूक है। थर्ड क्लास है आपकी सिस्टोडा। ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं एलिमेंट्री केनाल के, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है ऑफ द ह्यूमंस। फिर बॉडी जो है डिवाइडेड है प्रोग्लॉटिड्स। प्रोग्लॉटिड्स आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, तो यहां पर आप ये याद मत कर लेना कि सेगमेंटेशन यहां से इनिशिएट हो गई। दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, रादर दे आर सेगमेंट्स बट नॉट द ट्रू वन। अगला क्या है, इसके पास एंटीरियर एंड पर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। डू रिकॉल टीनिया सोलियम का स्कॉलेक्स वाला स्ट्रक्चर, कि एक मोबाइल कोन होती है, वहां पे रोस्टेलम प्रेजेंट है, वहां पे 2 रोज में उसके पास हुक्स अरेंज है। तो आपको ये याद रहेगा कि हुक्स और सकर्स अगर आ रहे हैं तो इसका कौन सा एग्जाम्पल जाएगा। क्लियर? इसके पास रोस्टेलम वगैरह होता है, एंडो पैरासाइट है, इसके पास एक से ज्यादा होस्ट होते हैं। आपको याद है एक होस्ट होगा ह्यूमन और दूसरा होस्ट होगा इसका पिग इन केस ऑफ टीनिया। देन इसका एग्जांपल हो गया टीनिया सेजिनाटा। आपने टीनिया सोलियम पढ़ा था, दैट इज द पॉर्क टेपवर्म, और टीनिया सेजिनेटा जो है इट्स अ बीफ टेपवर्म। देन इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा इज अ डॉग टेपवर्म एंड द स्मॉलेस्ट टेपवर्म, दैट इज 3 to 6 mm ऑफ लेंथ, 3 to 6 mm इन लेंथ। उसके बाद आपने 3 क्लासेस पढ़ ली, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। आपको इनके फीचर्स याद होने चाहिए, कौन से फीचर्स हैं, एग्जांपल्स याद कर लो। तो अगर आपने फेस्टिवला और शिस्टोमा पढ़ा तो आपको पता है कि शिस्टोसोमा और फेस्टिवला जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेमेटोडा, टीनिया इज अ पार्ट ऑफ सिस्टोडा। सो हियर विद द क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एक और फाइलम खत्म कर लिया, दैट इज प्लेटीहेलमिंट्स। इसमें हम लोगों ने इसके हैबिट, हैबिटेट, सारे जनरल फीचर्स, फेस्टिवला की पूरी लाइफ हिस्ट्री, टीनिया की पूरी लाइफ हिस्ट्री अलॉन्ग विद दीज 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिया। इनकेस आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट हो, प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगेन हम लोग अगली क्लास में एस्किहेलमिंट्स से स्टार्ट करेंगे, और अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। Here are your questions. Do practice them. In case you have any doubt, be free to ask in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.